सत श्री अकाल, मैं हूं जसप्रीत, आपका होस्ट एंड दोस्त, और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे शो में, जिसका नाम है वाह क्या स्वाद है। तो आज स्वाद की जर्नी जारी रखते हुए हम बनाने जा रहे हैं कैफे स्टाइल फूड। कैफे स्टाइल फूड क्यों? क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले लॉकडाउन था और हम सब ने कैफे स्टाइल फूड बहुत ज़्यादा क्रेव करा, वो चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा, कैफे के थिक शेक्स और मोहितो। तो मैं अपना एक वेरिएंट दूंगा मोहितो का, डैट इज़ कुकुम्बर मोहितो। उसी के साथ हम बनाएंगे फरेरो रोशर शेक, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जहाँ पे मैं काम करता था वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस था। तो वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लग रहा हूँ, एंड चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा। पहले शुरू करते हैं चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा से। तो हम दो घर पे बनाएंगे। अब आपको दो के लिए ईस्ट की जरूरत नहीं है, इंस्टेंट डो बनाएंगे और इंस्टेंट पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए हम पहले परात में अपना मैदा ले लेंगे। आप चाहें तो आधा मैदा आधा आटा ले सकते हैं। मैंने पूरा मैदा लिया क्योंकि मैदे के साथ जो लचीलापन आता है ना, वो आपके आटे के साथ नहीं आएगा, इसीलिए मैदा। मैदे में सॉल्ट, सॉल्ट मैदे के ग्लूटन को स्ट्रॉन्ग करता है, तो इसीलिए सॉल्ट। उसके बाद बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, और इसको दे देंगे एक मिक्स। अब बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों डालें, तो इनका रिएक्शन शुरू कराने के लिए हम डालेंगे दही। अब दही को मिक्स करते हैं और उसके बाद आटा गूंद देंगे। दही से हमारे डो में वो रिचनेस भी आ जाएगी जो पिज्जा के डो में बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। इनफैक्ट अगर आप खट्टा दही डालते हैं तो जो ईस्ट वाले डो से वो खटास आती है ना, वो भी आ जाएगी। अब आपको पिज्जा का डो मैं ऐसा दे रहा हूं जिसके लिए आपको ओवरनाइट फर्मेंट करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इसको गूंदिए और 15 मिनट रेस्ट दीजिए, उसके बाद आपका पिज्जा डो रेडी है। अब पानी डालते हैं इसमें। सॉफ्ट डो गूंदना है इसका। आप चाहें तो अपने पिज्जा डो में कुछ सीजनिंग डाल सकते हैं, जैसे ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स, बट मैं बहुत ही प्लेन पिज्जा डो रखता हूं, और उसके बाद हम सीजनिंग ऊपर से डालेंगे। तो आज का जो हम पिज्जा बना रहे हैं वो हम आपको ओवन में भी बना के दिखाएंगे, और सेकेंडली हमने कढ़ाई में भी ओवन बनाया है। तो कढ़ाई में पिज्जा कैसे बेक करते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। अब इमेजिन अ कैफे स्टाइल चीज बर्स्ट पिज्जा इन कढ़ाई एट योर होम, बस आधे घंटे में तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा पानी और। अब इसको गूंदते गूंदते ना 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, तो इसको हल्का सा ऑयल लगाते हैं और उसके बाद इसको रेस्ट करने देंगे अपनी दोप्रीत कौर जी को। ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है, अगर हम ऑयल नहीं लगाएंगे ना इस स्टेज पे तो ये डो सॉफ्ट नहीं बनेगा। जो डो गूंदने से पहले ऑयल लगाया जाता है या घी लगाया जाता है, वो मोइन लगाया जाता है खस्ता करने के लिए, और जो इस टाइम लगाया जाएगा वो लगाया जाएगा सॉफ्ट बनाने के लिए। हमें पिज्ज़ा का डो तो चाहिए सॉफ्ट, इसीलिए हमने इसको ऑयल लगा दिया। अब ऑयल लगाने के बाद इसको एक गीले कपड़े के नीचे ढक के रख देंगे। इसको ढक दिया। अब दो प्रीत कौर जी को रेस्ट करने देंगे। कढ़ाई में अवन बनाने की तैयारी कर लेते हैं, इसको प्री हीट कर लेते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कढ़ाई में अवन कैसे बनाना है। कढ़ाई में नमक की लेयर डाल लीजिए, उसके बाद एक ऐसा रिंग डाल लीजिए, कोई भी रिंग, आपके पास कोई और रिंग है जब मोल्ड है तो वो डाल लीजिए। बस इस रिंग डालने से ये फ़ायदा होता है कि आपका जो पिज़्ज़ा का बेस है जिस थाली में हम रखेंगे वो नीचे नहीं लगेगा, इसीलिए ऐसे रिंग डाल लीजिए और उसको ढक दीजिए। पहले तेज पे, उसके बाद पिज़्ज़ा डालने के बाद स्लो पे पकाना है हमने, तो इसको प्री हीट होने रख देंगे। और साथ ही साथ हम
अपनी टॉपिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो टॉपिंग के लिए पैन के नीचे आग और तेल। तेल गरम होते ही प्याज, साथ ही बेल पेपर्स, ये तीनों रंग की बेल पेपर्स हैं, हरा, लाल और पीला तीनों, साथ ही ब्लांच ब्रोकली एंड एलापिनोस। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, थोड़ा ओरिगैनो, अब इसको देंगे एक टॉस। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कढ़ाई में जब ओवन बनाते हैं तो आप नमक क्यों डालते हैं। अब नमक डालने का बेसिक रीज़न ये है कि नमक से ना जो हीट है वो रेगुलेट हो जाती है और अच्छी तरह फैल जाती है। ये हमारी सब्जियां भी सौते हो गई हैं, इनको ज़्यादा नहीं पकाना, इनका बस सिर्फ हल्का सा पानी सुखाना है और फ्लेवर्स इन्फ्यूज़ करना है। अब पिज़्ज़ा की टॉपिंग पर आपकी मर्ज़ी है आपने क्या सब्ज़ियाँ डालनी है। आप ये सब्जियां डालना चाहते हैं तो ये सारी डाल लीजिए, अगर आप कॉर्न डालना चाहते हैं कॉर्न डाल लीजिए, आप मशरूम डालना चाहते हैं मशरूम डाल लीजिए, सारी आपकी मर्जी की सब्जियां कुछ मर्जी डालिए। और ये नहीं है कि भाई आपके पास एलापिनोज नहीं है तो भाई आप पिज़्ज़ा नहीं बना सकते, आपके पास बेल पेपर्स नहीं है आप पिज़्ज़ा नहीं बना सकते, पिज़्ज़ा आप बना सकते हैं। तो ये सब्जियां सौते हो गई हैं, इनको निकाल लेते हैं बाउल में। टॉपिंग हमारी डन है, ठीक है जी, इसको होने देंगे ठंडा। अब बेसिकली चीज़ बस पिज़्ज़ा में ना डो की दो लेयर्स जाती हैं, एक तो थोड़ा मोटा गूंदा जाता है, थोड़ा मोटा बेला जाता है और वो बेक होगा इसमें, उसके ऊपर लगेगा चीज़ स्प्रेड और उस चीज़ स्प्रेड को बाहर ना फ्लो हो जाए वो, इसीलिए उस पर लगेगी एक पतली लेयर, पतली सी रोटी अपना पिज़्ज़ा डो की। अब तो बहुत ही ईजी काम है, अब तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, सब ईजी ईजी सा है। अब इसको ना हल्का सा गूंदेंगे, कभी भी जब डो को रेस्ट दें उसके बाद ना उसको हल्का सा गूंद लें। इसको गूंद लिया, अब देखिए कितना सॉफ्ट हो रखा है और मैं बाउंसी भी दिखा देता हूँ आपको, ये बाउंस हो रहा है ना, ये ही डो चाहिए हमें। अब ये सेकंड बार गूंदने के बाद डो को ढक लें, डो को कभी भी ना नंगा नहीं छोड़ना, कोई भी डो हो किसी भी चीज़ का डो हो उसको नंगा नहीं छोड़ना, उसको ढक के छोटा सा बॉल निकाल लें और उसके बाद उसको फिर ढक दें। तो इस थाली के साइज़ के हमने दो पिज़्ज़ा बेस बनाने हैं, एक बिल्कुल पतला और एक मोटा। तो पहले पतले के लिए हम गूंद लेते हैं, अब इस डो के अंदर ना ग्लूटेन डेवलप्ड है तो जब आप पलटेंगे ना तो वो सुकड़ जाएगा। कभी भी पिज़्ज़ा का जो डो होता है ना, जो पिज़्ज़ा का बेस होता है वो वैसे हाथ से ही गूंदा जाता है, मतलब हाथ से ही फैलाया जाता है, वो बेलन से नहीं फैलाया जाता। बट सिंस हमने घर पे बनाना है हम थोड़ा कर सकते हैं। अब ये हो गया, इसको प्रिक कर लेंगे ताकि ये फूले ना। इसको पैन में सेक लेंगे बिल्कुल स्लो आंच पे ताकि रंग ना आए और पक जाए। तब तक हम अपना दूसरा पेड़ा बेल लेते हैं। अब ये वाला जो पेड़ा है ये मोटा होगा, इसको बेलते वक्त अपने दूसरे बेस पे भी ध्यान रख लें कहीं वो जल ना जाए। ये जो मोटे वाला बेस है ये इससे हल्का सा बड़ा, बिल्कुल हल्का सा बड़ा, ताकि वो वाला बेस इसके अंदर समा जाए। तो इसको फैला लिया हमने, अब इसको पलट देंगे हम। ये भी हो चुकी है, हल्का हल्का कलर आया और बिल्कुल डिसेंट टाइप कलर आया जो हमें चाहिए। अब हमने इसको असेंबल करना है,
तो बेसिकली ना, पहले सबसे पहले आपने दो कटोरी ले लेनी है, एक में पानी एक में तेल। जो हमारा पतले वाला बेस बना है उस पे हम लगाएंगे चीज स्प्रेड। अच्छी तरह इवनली फैला लेना हमें। तो जी, ये चीज स्प्रेड हमने फैला लिया, इसको रखेंगे इस पे। और ये जो बेस है हमारा, यहाँ पे लगाएंगे पानी ताकि ये चिपक जाए। अब पानी हमने इसीलिए डाला था इस कटोरी में ताकि ये हम गीला कर सकें रिम्स को और वो चिपक जाए। कुछ जगह पे, कुछ कैफेज में ये पतले वाले बेस की जगह रुमाली रोटी भी यूज़ करी जाती है, तो अगर आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बस रुमाली रोटी से क्या होता है कि वो पतली वाली जो लेयर होती है वो फील नहीं होती जब खाते हैं, तो ज़्यादा चीज़ का फ्लेवर आता है। बेस में डालने से पहले हम ऑयल कर लेंगे अपने बेस को, अपनी प्लेट को। अब अगर ग्रीस नहीं करेंगे, ऑयल नहीं लगाएंगे इस पर, तो ये बेस जो पिज़्ज़ा हमारा बेक होने के बाद चिपक जाएगा। अब ये डन है, अब इस पे पिज्जा सॉस लगाते हैं। अब पिज्जा सॉस लगाने के बाद इस पे डालेंगे चीज। अब आई प्रेफर टू यूज मोजरेला, येलो चेडर एंड वाइट चेडर। उससे क्या होता है ना कि वो ब्राउनिंग बहुत प्यारी आती है जो पिज्जा पे चाहिए होती है, इसीलिए अब इसको डाल लेंगे। ये हमने चीज डाल लिया भर भर के। अब डालेंगे अपनी टॉपिंग। टॉपिंग हमेशा चीज डालने के बाद, क्योंकि अगर आप पहले डाल देंगे ना तो बेक होने के बाद टॉपिंग आपकी दिखेगी नहीं, तो बहुत ही वाइट वाइट सा दिखने लग जाएगा आपका पिज्जा ऊपर से बेक होने के बाद। ऑलिव्स भी डाल लेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके पास जो सब्जियां हैं वो डाल सकते हैं आप। अब ये डन है, ये जाएगा इनटू द कढ़ाई ओवन फॉर एटलीस्ट 10 to 15 minutes। 15 मिनट से ज़्यादा ही लगेंगे इसको, लगभग 16 मिनट मान लीजिए, 16-17 मिनट। तो अब इसको बेक होने रख दिया है। अब हमने जो अवन में पिज्ज़ा बनाना है उसको लाइन कर लेते हैं, और फिर अवन में डालते हुए मैं आपको टेम्परेचर बता दूंगा। तो जी, ये दूसरे वाला पिज़्ज़ा भी डन है। इसको रखते हैं बेक होने के लिए 215 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट के लिए। तो जी, जब तक वो बेक हो रहा है, ये बेक हो चुका है बनाते बनाते, तो इसको निकालते हैं और उसके बाद प्लेटिंग करते हैं इसकी।
होए नज़ारेदार खुशबू, मैं कह रहा हूँ जी सा आ रहा है इसको देख के ही। अब इसको निकाल लेते हैं।